भगवान श्री कृष्ण के चरणों में युधिष्ठिर प्रणाम करते हैं कि प्रभु एकादशी ग्यारस के व्रत की महिमा में आपके श्री मुख से सुनना चाहता हूँ। इसको देवशयनी एकादशी करते हैं। इस देवशयनी एकादशी का व्रत रखने से तीनों देवताओं की पूजा का फल मिलता है, तीनों लोकों के पवित्र तीर्थ सेवन करने का फल प्राप्त होता है। एकादशी देवशयनी एकादशी, अभी तो विज्ञानी भी लोहा मान गए भारतीय धर्म ग्रंथों का कि भगवान की भक्ति के साथ स्वास्थ्य का कितना इन्होंने आविष्कार किया है हिंदुओं ने। अभी विज्ञानी बोलते हैं कि हफ्ते में एक दिन उपवास रखना चाहिए, कैंसर के रोगी को भी उपवास से फायदा बताते हैं विज्ञानी लोग। लेकिन हमारे ऋषियों ने तो केवल कैंसर के रोगियों के लिए उपवास का फायदा बताया नहीं, सभी लोगों के लिए। जैसे विज्ञानी अभी मानते तो हमारे ऋषियों ने लाखों वर्ष पहले उपवास की महिमा जानी और बताई, वर्णन की। हम जो कुछ खाते पीते हैं उससे जो रस बनता है, रक्त बनता है, धातु बनता है, 15 दिन में एक दिन उपवास करते हैं तो हमारे पाचन तंत्र को थोड़ा विश्राम मिलता है और हमारी जठरा फिर वो जो रस है 14 दिन का उसको ओज बनाने में लगती है, तो शरीर सुदृढ़ रहता है, रोग प्रतिकारक शक्ति दृढ़ रहती है। जैसे रोज काम करने से आप ऊब जाते हैं, हफ्ते में एक दिन छुट्टी करते हैं, ऐसे 15 दिन में या हफ्ते में एक दिन पेट को भी छुट्टी दो तो आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहता है। ये तो हुआ तंदुरुस्ती के दृष्टि से, पर भक्ति की दृष्टि से इस एकादशी के व्रतों का बड़ा भारी महात्मा है। भगवान कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर ये देवशयनी एकादशी, कोई निर्जला एकादशी, कोई पापमोचिनी एकादशी, साल में 24 एकादशियां आती है, महीने में 2 एकादशियां आती है। ये चतुर्मास की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, उजाली रात और अंधारी रात, इन एकादशियों को हर गृहस्थी को करनी ही चाहिए। बाकी की एकादशियां में उजाले पक्ष की करे, अंधारे पक्ष की कभी न करे तो चले, लेकिन ये चतुर्मास की एकादशियां तो सबको करनी चाहिए। इन दिनों में सूर्य के किरण धरती पर कम पड़ते हैं, जठरा थोड़ी मंद होती है। एकादशी का उपवास करने से जठरा पर, पाचन तंत्र पर व्यर्थ का प्रभाव कम पड़ेगा, पाचन तंत्र आपका सुयोग्य रहेगा। इन दिनों में आपको भजन ध्यान जप करना, मौन रहना, सुमरण करना, वो ज़्यादा हितकारी है। इसे चतुर्मास कहते हैं, देवशयनी एकादशी। तब से लेकर 4 एकादशियों तक के दिनों में साधक लोग अपना साधना का अनुष्ठान करते, मौन का अनुष्ठान करते, जप का, स्वाध्याय का आदि करते हैं।